हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मुंह में घुल जाने वाले खस्ता शक्कर पारे, वो भी बिल्कुल हलवाई स्टाइल में। इसे एक बार बनाइए, महीने भर खाइए। तो चलिए शक्कर पारे बनाने की रेसिपी शुरू करते हैं। बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए मैदा लिया हमने 200 ग्राम, 100 ग्राम चीनी और 50 ग्राम घी। आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हैं तो इसकी क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम खुरमा बनाने के लिए एक डो तैयार करेंगे। डो तैयार करने के लिए मैदा और घी को एक साथ डालेंगे एक बड़े बाउल में। घी और मैदा को अच्छे से मिक्स करेंगे, इससे हमारा मोयम बहुत ही अच्छा हो जाएगा और खस्ता शक्करपारे बनकर तैयार होंगे। अब घी और मैदा अच्छे से मिक्स हो मैदा और घी अच्छे से मिक्स हो गए, इसकी बाइंडिंग करके हम चेक कर लेंगे, ये एकदम परफेक्ट है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका एक सख्त डो लगाएंगे। एक साथ पानी हमें नहीं डालना है, नहीं हमारा डो गीला हो जाएगा। अब हमारा डो एकदम अच्छे से रेडी हो गया, इसे हम 10 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए रख देंगे, जिससे मैदा हमारा अच्छे से फूल कर और ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाए। इसे हम ढक कर रख देंगे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट के बाद हम फिर आटे को एक बार अच्छे से गूंध लेंगे और उसे दो बराबर भागों में डिवाइड करके दो बॉल बना लेंगे। उसके बाद एक चकले पे उसे हम अच्छे से, जैसे रोटी या पराठा बेलते हैं नॉर्मल, वैसे ही उसे हम बेल लेंगे। अब इसे हम बेल लें, इसे हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं बेलना है। अब इसे हम बेलने के बाद इसे हम ऐसे राउंड राउंड फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसे हम बेलन से थोड़ा चपटा कर लेंगे, जिससे थोड़ा ये बड़ा हो जाए। उसके बाद हम इसे नाइफ़ की हेल्प से बड़े बड़े साइज पीसेस में काट लेंगे। अगर आपको ये पीसेस कम बड़ी लग रही तो इसे आप छोटा या बड़ा अपने हिसाब से इसे आप कर सकते हैं। जो भी पीसेस बड़ी हैं उसे हम और भी छोटा कर लेंगे। इसी प्रोसेस से हम सारे दूसरे वाले भी डो बॉल को ऐसे ही बेल करके काट लेंगे। आप देख सकते हैं इसकी सारी लेयर्स दिख रही हैं। हमने यहाँ पे सारे खुरमे को काट लिया है। तेल हमारा पहले से ऑलरेडी गर्म हो गया है। अब जैसे ही तेल हमारा अच्छे से गर्म हो जाएगा, हम फ्लेम को थोड़ा लो कर देंगे। उसके बाद पूरी क्वांटिटी में सारे खुरमे को डाल देंगे गोल्डन ब्राउन होने तक के लिए। इसे हमें मीडियम फ्लेम पर ही गोल्डन ब्राउन होने के लिए रखना है। धीरे धीरे जैसे जैसे इसका कलर चेंज होने लगेगा, इसे हम बीच बीच में चलाते रहें। जब तक ये गोल्डन कलर नहीं हो जाएगा, इसे हम कंटिन्यू चलाते ही रहेंगे और फ्लेम पे हम ज़्यादा ध्यान देंगे। इसे हमें हाई फ्लेम पे नहीं पकाना है, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा ही रह जाएगा। इसे हम लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। जैसे ये सारे गोल्डन कलर के, डार्क गोल्डन कलर के हो जाएंगे, इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक ये ठंडा होता रहेगा, हम इसकी चाशनी तैयार कर लेंगे। चाशनी तैयार करने के लिए हम इसमें आधा कप पानी लेंगे और उसमें एक कप चीनी डालेंगे। चीनी जैसे ही हमारी घुल जाएगी, चीनी अब हमारी घुल गई है। यहाँ हमें एक तार दो तार की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ हमें सीढ़ा बनाना है। इसे हम जैसे हाथ में लेकर चेक कर लेंगे, जैसे थोड़ा सा चिपचिपा हो जाएगा, इसका मतलब हमारी चाशनी रेडी हो गई है। चाशनी जैसे हमारी थोड़ी ठंडी हो जाएगी, उसमें हम खुरमे को डाल देंगे। अभी ये गर्म है, इसलिए आपस में इसकी कोटिंग अच्छे से नहीं हो रही। जैसे जैसे ये ठंडा होता जाएगा, इसकी कोटिंग अच्छे से, चीनी की कोटिंग खुरमे पे बहुत अच्छे से हो जाएगी। बीच बीच में से हम
दो से तीन मिनट के बाद चलाते रहेंगे, जिससे उसकी कोटिंग अच्छे से चीनी खुरमे को ऊपर अच्छे से परफेक्ट से अपनी कोटिंग कर ले। खुरमे पे चीनी कोटिंग, जैसे जैसे चीनी ठंडा होता जाएगा, इसमें आपको बस 10 या 5 मिनट लग सकते हैं। जैसे जैसे चीनी नॉर्मल अपने टेम्परेचर में आएगा, अच्छे से खुरमे के ऊपर इसकी कोटिंग हो जाएगी। तो लीजिए, रेडी हो गया है हमारा बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा खस्ता खुरमा। इसे अब आप घर पे बनाइए और हमारी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके हमें बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। मिलते हैं हम अगली रेसिपी में। बाय बाय।